हेलो बेटा, आज आपकी वर्कशीट 4 है और डेट है 29 सितंबर 2020। ठीक है, ये क्लास 6th की वीडियो है ये वाली। और यहाँ पर हम स्कूल का नाम लिखते, स्कूल नहीं, बच्चे अपना नाम लिखते हैं। यहाँ पर टीचर्स का नाम लिखा जाता है। संख्याओं की जानकारी, आज का टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। ठीक है, और उसमें भी एक टॉपिक है संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसमें क्या है, संख्या रेखा नंबर लाइन होती है ना, उससे हमें क्या करना है, घटा को समझना है कैसे घटाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर लाइन है या संख्या रेखा है, ये जीरो है। जीरो से सीधे हाथ पर जाने पर हमारे नंबर्स होते हैं कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है अभी मैं वो समझा रही हूँ बेटा आपको। यहाँ पर बोला है कि 10 में से 3 को घटाना है, तो ये क्या है आपका 10, ये 10 दिखाई दे रहा है। अब इसमें से हमें -3 यानी कि 3 को घटाना है। जब हम घटाते हैं तो क्या करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। अगर देखा जाए माइनस में हम क्या करते हैं, उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं, तो कितने स्टेप जाएंगे, 3। तो हम 10 से पहले 9 पर आए, फिर 9 से 8 पर आए, फिर 8 से 7 पर आए। ठीक है, अब हम यहाँ रुक गए क्योंकि इसने बोला था हमें सिर्फ 3 बार जाना है, तो 1 2 3 बार आए, आंसर कितना आ गया आपका, 7। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा, माइनस या घटा करने पर कोई भी संख्या हमारी कम हो जाती है। 10 में से आपने 3 को घटाया तो 7 रह गए, या फिर कम हो गई, या फिर हमने अंतर पूछा कि 10 और 3 में क्या अंतर है। जब हम अंतर करेंगे तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे, या फिर घटाना हो गया या काटना हो गया। काटने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से हमें काटना है, कितना काटना है, 3 काटना है, तो 1 2 3। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, घटाई हो गया, पीछे की ओर गिनना। अभी हमने क्या करा था, पीछे की ओर ही तो गए थे जब हमने 3 को माइनस किया था। अब यहाँ पर हमें घटाना बताया है कितना कम है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जब हमारा यहाँ पे कोई भी कम लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, ये घटाना या कम एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला है कि आपके पास एक नंबर है 5 4 3 3। ठीक है, उसमें से आपको क्या घटाना है या क्या कम करना है, 3 7 3 3। ठीक है, 5 4 3 3 से नहीं, इसने पूछा है कि 5 4 3 3 से 3 7 3 3 कितना कम है, तो कितना कम के लिए हम इसे घटाएंगे, है ना। तो हमने क्या करा बेटा, इसमें देखो कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 5 4 3 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने 5 4 3 3 लिख लिया, लेकिन 3 7 3 3 है, यहाँ पर 3 7 5 6 है। तो इसको आप एक बार मतलब मैं सिर्फ सिंपली आपको माइनस करके दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, ये 3 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, जब 3 से 6 तो नहीं घटेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक ये उधार ले लिया एक तरीके से। तो जब हम यहाँ से 3 से लेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 2। जब ये 2 रह गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13। तो 13 से 6 गए तो कितना आ गया, 7। लेकिन अब यहाँ पर तो 2 रह गया, 3 तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 5 घटाना है, तो 2 से हम 5 नहीं घटा सकते। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 4 से एक उधार ले लिया, तो हमने यहाँ पर कितने हो गए, 12। अब जैसे ये 12 हुए तो 12 में से 5 गए 7। ये पहले 4 था, अब कितना रह गया, 3। अब 3 से 7 तो नहीं जाएंगे, इसी तरीके से हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे यहाँ पे, हमारा 13। ठीक है, 13 से 7 गए, कितना बचे, 6। ये 5 पहले हमारे 4 रह गए थे, 4 में से 3 गया 1। इसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है, यदि बड़ी संख्या 9577 है तो छोटी संख्या बताइए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से समझते हैं। इसने बोला दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है। ठीक है, मान के चलो एक हम बहुत छोटी संख्या ले रहे हैं, दो संख्या है मेरे पास। ठीक है, उन दोनों के बीच का अंतर 6 है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, और बड़ी संख्या मेरे पास 10 है, तो बताओ ये छोटी वाली संख्या कितनी होगी, कितनी होगी वाली संख्या, 4 ही तो होगी। क्यों, क्योंकि 10 और 4 का अंतर कितना हो गया, 6। तो आपने क्या करा था, इस 4 को निकालने के लिए इस बड़ी संख्या में से इस अंतर को माइनस किया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, बड़ी संख्या कितनी है, 9577, और अंतर कितना दिया हुआ है, 1307 का। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो 9577 में से हम 1307 को माइनस करेंगे।
ठीक है, तो 7 में से 7 गए कितना आया, 0। 7 से 0 गया तो 7 आया, कि 0 को हम किसी भी संख्या से जब घटाते हैं तो वही संख्या आती है। 5 में से 3 गए 2 और 9 से 1 गए 8। ये क्वेश्चन आपका सिंपल सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। 5 2 7 में से 115 घटाना है, 6 1 5 0 से 5 4 6 2 घटाना है। ये तो आपको ही करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ। एक कार की कीमत कितनी है और मोटरसाइकिल की मोटरबाइक की कीमत इतनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 70,063 रुपये। अब आपको बताना कौन सा वाहन महंगा है। अब आप एक चीज देखो बेटा, पहले ये कितने डिजिट की संख्या है, अंकों की, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने की है, 5 की। तो जब हमारी अंक ज्यादा होते हैं तो वो संख्या बड़ी हो जाती है ना। उसके बाद हम अगर अंक बराबर होते हैं तो हम यहाँ पर अंकों का देखते हैं कौन सा बड़ा अंक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अंकों की संख्या ही कार की कीमत की ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कौन सा वाहन महंगा है, कार। कितना महंगा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कार की कीमत से मोटर बाइक की कीमत को घटा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको समझाए हैं कैसे करने हैं।